नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान और फिर फ्रांस के राष्ट्रपति के बयान के बाद दुनिया भर के मुसलमानों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब मुस्लिम देशों ने फ्रांस को सबक सिखाने का मन बना लिया है। जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट के कई देशों में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन हुए, वहीं दूसरी ओर फ्रांस के सामानों का बहिष्कार हुआ। बड़े बड़े मॉल्स और सुपरमार्केट ने फ्रांस के सामान के बहिष्कार का अभियान चलाया और फ्रांसीसी सामानों को अलमारी से हटाना भी शुरू कर दिया, जिसके बाद फ्रांस घबरा गया और फ्रांस के विदेश मंत्रालय को अपील करनी पड़ी फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन और फ्रांसीसी सामानों के बहिष्कार बंद होना चाहिए। दुनिया भर के किस देश ने फ्रांस के खिलाफ क्या कहा, कहां प्रदर्शन हुए, कहां बायकॉट हुए, ये आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे मीडिया टूडे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एक ऐसा बयान जारी किया जिसके बाद अरब और मुस्लिम देशों में भारी आक्रोश फैल गया। मैक्रोन ने कहा कि हम पैगंबर मोहम्मद के अपमानजनक कार्टून छापने से नहीं रुकेंगे, जिसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति ने सबसे पहले अपनी आवाज बुलंद की। एर्दोगान ने कहा कि मैक्रोन पागल हो गया है और इसको अपने दिमाग के इलाज कराने की जरूरत है, जिसके बाद फ्रांस पूरी तरह से बिलबिला गया और तुर्की से अपने राजदूत भी वापस बुला लिए और तुर्की और अपने रिश्तों को खत्म करने की बात तक कह डाली। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन को पागल बताए जाने के बाद दुनिया भर के मुस्लिम देशों ने फ्रांस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फ्रांस में मोहम्मद साहब के अपमान के बाद फिलिस्तीन के मुसलमान सड़कों पर उतर आए और फ्रांस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उधर सीरिया में भी मैक्रोन के बयान और विवादित कार्टून के विरोध में भी प्रदर्शन किए गए। प्रदर्शनकारियों ने मैक्रोन की तस्वीर जलाई और अपना गुस्सा जाहिर किया। उधर मिस्र के सबसे बड़े इमाम ने भी मैक्रोन की इस टिप्पणी की आलोचना की और उन्होंने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति ये बयान राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने प्रतीकों और पवित्र स्थलों को चुनावी लड़ाई की सस्ती सौदेबाजी का शिकार नहीं होने देंगे। आपको बता दें, अगले साल फ्रांस में चुनाव है और फ्रांस के राष्ट्रपति की हालत चुनाव में इस बार पतली है। लीबिया में राष्ट्रपति परिषद सदस्य मोहम्मद जायद ने भी फ्रांस के राष्ट्रपति के इस बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब की शान इतनी बुलंद है कि वो एक बयान या घटिया चित्र से प्रभावित नहीं होगी। जॉर्डन के मुस्लिम ब्रदरहुड समूह ने मैक्रोन के इस बयान को इस्लामिक राष्ट्र के खिलाफ हमला और नफरत भरा बताया है। फ्रांस ने मिडिल ईस्ट देशों से आग्रह किया है कि वो फ्रांस के सामान का बहिष्कार ना करें। बता दें, फ्रांसीसी सामानों का बहिष्कार करने का आह्वान करने वाले कई मुस्लिम देशों में सोशल मीडिया पर अभियान चल रहा है। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको न्यूज़ कैसी लगे कमेंट करके जरूर बताएं।